आप स्वागत है, आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ में की आइनस। डालते हैं आज की खबर पे। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चंदौली ने स्कूली छात्राओं को किया जागरूक। 29 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक चंदौली संतोष कुमार सिंह द्वारा चौधरी रघुनाथ सिंह बालिका इंटर कॉलेज पखनपुरा जनपद चंदौली में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा कहा गया कि समाज में महिलाओं को सम्मान तथा बराबरी का दर्जा देना चाहिए, जिसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल 100 नंबर डायल करें, आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता पहुंचेगी। यूपी पुलिस द्वारा संचालित 10-90 योजना के अंतर्गत अगर आपको आपके आने जाने वाले रास्ते, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी स्थान पर कोई परेशान करता है या कोई टिप्पणी करता है तो आप बिना किसी झिझक के 10-90 पर फ़ोन कर सकती हैं, जहां पर आपकी समस्या महिला कर्मचारी द्वारा ही सुनी जाती है। आपकी पूरी सहायता की जाएगी तथा आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। सोशल मीडिया का प्रयोग सतर्कतापूर्वक करने व ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी एवं तस्वीर कदापि न शेयर करने की सलाह दी। इस मौके पर विभिन्न छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों सहित उनके समस्त शंकाओं का समाधान करने के साथ ही उचित मार्गदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर चंदौली के ब्यूरो चीफ सहित कॉलेज प्रबंधक, प्रधानाध्यापिका व शिक्षक आदि उपस्थित रहे। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारी हैं आपके समझ से, क्या एक तरफा सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाना क्या अपूर्ण नहीं लगता है? एक तरफा का क्या मतलब? एक तरफा का मतलब जो पीड़ित हैं उनको तो सिखाया जा रहा है क्लास लेकर के, लेकिन जो पीड़क हैं उनको संस्कारवान बनाने के लिए कोई कार्यक्रम तो सरकार के द्वारा चलाया नहीं जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि सरकार सांस्कृतिक माहौल पैदा करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारें अमूमन जो भी रही हैं उनका काम कानूनी रूप से अपराध को रोकना है। इस समाज का दायित्व है कि सामाजिक चेतना का विस्तार करे, और उसके लिए विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, जिनका दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को बेहतर किया जाए। तो एक समस्या है, लेकिन हर काम हम सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते। घर के अंदर और घर के बाहर के परिवेश और माहौल को बेहतर बनाना, संस्कारवान बनाना, ये हमारा भी दायित्व है, और ये चेतना समाज में जानी चाहिए और इसकी शुरुआत हर घर से। जी सर, ये कहने का मतलब हमारा था कि जैसे पुलिस के द्वारा ये अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो एक कार्यक्रम इस तरह का भी चलाया जाए जिससे कि युवा वर्ग भी इससे प्रेरित होकर के संस्कारवान बने और इस तरह की हरकत न करने का कुछ शपथ वगैरह ले, ताकि समाज में इसका असर पड़े। देखिए, वो प्रयास हम लोग करते रहते हैं, विद्यालयों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन समस्या ये है कि गलती करने वाला कभी खुल के नहीं कहता कि मैं उन लोगों में हूँ जो पीड़क वर्ग में हूँ, छेड़खानी करने वाले वर्ग से हूँ। तो वहाँ तो सभी लोग अच्छा बोलते हैं, और शपथ दिला करके आप नैतिकता के रास्ते पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि शपथ तो तोड़ने के लिए ही ली ही जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम शपथ दिलाएं वो करें, हमको एक सांस्कृतिक चेतना और पारिवारिक स्तर से ही, बचपन से ही बच्चों के मन में डालने की ज़रूरत है कि अच्छे बुरे का, ऊंच नीच का, सद्गुण और दुर्गुण के विवेक और परख की सामर्थ्य उनमें हो, ताकि उनमें एक आत्म अनुशासन विकसित हो। बिना उसके बहुत फर्क नहीं आया। जब आज का समाज बहुत शिक्षित हो चला है, शिक्षा के तमाम साधन विकसित हो गए हैं, पहले के ज़माने में जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, अशिक्षित लोग थे, उस ज़माने में भी कुछ नारियाँ सशक्त होती थी जैसे लक्ष्मीबाई वगैरह, तो क्या इसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या है कि जिसकी वजह से ये नारियाँ सताई जा रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही हैं, इसकी मेन वजह आपके समझ से? देखिए, ऐसा है कि जिनको आप बहुत सशक्त मान रहे हैं वो राज परिवारों से जुड़ी थी और उस सत्ता के लिए संघर्ष था। यहाँ जो आम आदमी का संघर्ष है वो सामाजिक कुरीतियों और अव्यवस्थाओं से, दोनों में फर्क है। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए मैं ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।